Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. This video is presented by Engineer Hari. Watch full video for your better understanding. Hello my dear all subscribers and all channel visitors. Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. आज मैं आपको कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स और शियर फोर्स, जो ये थ्री फोर्स है, ये सभी इंजीनियरिंग में काम आती है, आइदर सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, अनगिनत है. तो सभी में ये तीन फोर्स के बारे में काफी डे टू डे वर्क में आते रहती है, एनालिसिस में आते हैं इसकी वैलिडिटी. तो आप इसके बारे में आप जानेंगे, समझेंगे. यदि आप इस चैनल में नए हैं तो अपने लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें. वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट डाल दें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें ताकि उनको भी इसका कुछ लाभ मिल सके. लेट अस स्टार्ट द वीडियो. जैसे आपने देखा है कंप्रेसिव फोर्स, ये क्या होती है? सपोज दिस इज ए सिलेंडर और इसको आप देखेंगे इस तरह से, राइट? तो इस तरह से आपका एक दिस इज ए राइट. तो जो कंप्रेसिव फोर्स है ये क्या होती है? दिस विल एक्ट नॉर्मल टू दिस प्लेन. ये जो आप जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन देख रहे हैं, ये जो क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, दिस विल बी इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन और दिस विल बी एक्ट दिस इज एक्सियल फोर्स एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, राइट? सो इफ यू अप्लाई दिस फोर्स देन ए कपल ऑफ फोर्स विल जेनरेटेड, ए कपल ऑफ फोर्स यहां पर जेनरेट होगी टू फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस बॉडी. और इसका मेन काम जो होता है, इट विल कंप्रेस द बॉडी. और जब भी कंप्रेस होंगे तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होंगे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं. इस डिफॉर्मेशन के कारण कंप्रेशन के बाद में दिस विल बी डेल एल के हिसाब से ये छोटा हो जाएगी ड्यू टू कंप्रेशन, राइट? बॉडी इज श्रिंक और शॉर्टन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, एक्सियल डायरेक्शन में. दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स. कंप्रेसिव फोर्स की जो आपको यूटिलाइजेशन है, आप देखेंगे कि ट्रसेस में हो, बीम एनालिसिस, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, जो पिलर्स हमारे होते हैं आरसीसी पिलर्स जिस पर लोड होते हैं, उस लोड के कारण भी कंप्रेस होती है और उस कंप्रेस के कारण बकलिंग हो जाती है कभी कभी. When unable to bear this high compression force in the structure, then body will be some buckling will take place. तो जैसे ब्रिज है, ब्रिज में भी बहुत सारे आपके कार जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही है, उनके अपनी लोड है, तो सारे जो उनके जो पेयर्स है, पिलर्स है, उस पर वो कंप्रेसिव फोर्स डालता है. तो कंप्रेशन फोर्स के कुछ हमें एग्जाम्पल दिया आपको, जो कि प्रैक्टिकल काम में आती है. ट्रसेस में ओनली कंप्रेशन, टेंशन दो टाइप की एक्सियल फोर्स होती है. सो प्लीज रिमेंबर दिस कंप्रेसिव फोर्स नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर हम टेंसाइल फोर्स की बात करें तो टेंसाइल फोर्स का अर्थ यह हुआ कि दिस विल पुल द बॉडी. जैसे ये चक है, आप इसको पुल करेंगे, दिस इज द टेंसाइल फोर्स. तो ऐसे एक बना देते हैं अपन. सपोज दिस इज ए बॉडी, राइट? ओके, और इस पे जो फोर्स लगेगी आपकी, सपोज इस तरह की ये फोर्स लगी, राइट? तो इसके जो कपल जनरेट होंगे इस तरह से कपल, ये हो गई टेंशन. सो टेंसाइल फोर्स डेफिनेशन इज दिस इज ऑल्सो एक्सियल फोर्स, रिमेंबर, एंड द फोर्स विल एक्ट नॉर्मल टू द
सरफेस नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन राइट। ये इस बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करेगा, खींचेगा, तो क्या होगा, कपल जनरेट होगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस टी टू बैलेंस द टू कीप इक्विलिब्रियम ऑफ दिस बॉडी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। और टेंसाइल फोर्स जो है लाइक जैसे हम कंप्रेशन फोर्स में बताया, कंप्रेशन फोर्स में ये भी नॉर्मल होगी 90 डिग्री, और जो ये सरफेस देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस इसके परपेंडिकुलर होगी। दिस नॉर्मल टू द दिस एक्ट नॉर्मल टू दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया। सरफेस मींस लेंथ इनटू ब्रेथ। और इसका जो मेन जो काम है आफ्टर द टेंसाइल फोर्स इट विल डिफॉर्म द बॉडी एंड इट विल इलोंगेट, मींस ये बॉडी को खिंचाव के कारण ये बढ़ाएगी। सपोज अगर यहां है तो आफ्टर इस लेंथ विल इंक्रीज टू डेल एल राइट, और ये ओरिजिनल एल है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स, लेंथ विल बी इंक्रीज। और लेंथ जो इंक्रीज होगी वह होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, रिमेंबर। अब दूसरा देखते हैं शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या होती है? एक्सियल फोर्स राइट। बट यहां पे क्या होती है टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स में, दिस फोर्स एक्ट नॉर्मल टू द प्लेन एट 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बट ये शियर फोर्स में क्या होगी आपकी, दिस विल एक्ट पैरेलल टू द प्लेन राइट। जैसे मान लिया कि कोई एक बॉडी है, सपोज दिस इज ए बॉडी, तो शियर फोर्स क्या होती है, दिस विल एक्ट पैरेलल टू द दिस प्लेन। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, और जो शियर फोर्स है जो भी एरिया आप जो देख रहे हैं इट विल एक्ट पैरेलल टू द प्लेन, सो इट विल बिकम शियर फोर्स। और वैसे जब शियर स्ट्रेस लेना है तो क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो फोर्स डिवाइडेड बाय यहां भी होगी, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया यहां भी होगी, लेकिन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है इस कंप्रेसिव फोर्स में टेंसाइल फोर्स में ये नॉर्मल होती है, नॉर्मल टू द एरिया। बट यहां पर क्या होगी शियर फोर्स में, इट विल बी पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। उम्मीद है आपको कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स और शियर फोर्स का डेफिनेशन आपको इसमें समझ में आ गया होगा। कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स दोनों का डिफॉर्मेशन आपने देखा, कैसे बॉडी को डिफॉर्म करता है और उस पर क्या फर्क पड़ती है। शियर फोर्स में क्या होती है, ये किसी बॉडी पर यदि शियर फोर्स है लग रही है तो शियर फोर्स का काम है दिस विल स्प्लिट ये बॉडी इंटू टू सेक्शन। दिस इज ए बीम, बीम को हम ऐसे बना ले राइट, ये टॉप पोर्शन हुई टॉप, तो यहां पर अगर हम एक फोर्स डालते हैं विच इज नॉर्मल टू दी प्लेन, बट अगर ये फोर्स जो है जैसे लोड है पी, अगर ये एक्सिट कर गई तो क्या होगा, बॉडी विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स राइट। एक पार्ट आपका यहां हो गई, अब दूसरा पार्ट क्या होगी, इट विल कम डाउन हियर, यहां आ गई, ये आर ए और दिस इज आर बी, ये है क्रॉस सेक्शन। तो शियर फोर्स का जो काम होगा, व्हेन द नॉर्मल फोर्सेस एक्सीड द लिमिट, तो बीम में क्या होगी, डिफॉर्मेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ शेयरिंग। शेयरिंग में आपका जो बीम है वो स्प्लिट हो जाएगी, दो पार्ट में बट जाएगी, ये इसको कहते हैं शेयरिंग एक्शन। और जो शियर फोर्स होंगे वो क्या होंगे, एक आपको जैसे ये देख रहे हैं बीम की, एंड दिस विल
द फोर्स विल एक्ट हियर पैरेलल टू दिस सेक्शन. ओके, फोर्स विल बी पैरेलल टू दू हियर एफ. और इसके उल्टा जो ऑपोजिट में यहां भी यहां पर भी एक ऊपर की तरफ एक फोर्स आएगी टू बैलेंस दिस बीम इन ऑपोजिट डायरेक्शन दिस फोर्स. राइट, सो शेयर फोर्स, मेन फंक्शन ऑफ शेयर फोर्स क्या होती है, इसकी जो एक्शन होती है ये किसी बॉडी को शेयरिंग एक्शन होने के कारण दो पार्ट में बढ़ जाएंगे. राइट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ शेयर फोर्स. कोई भी आप जैसे खीरा काटते हैं या कोई केक काटते हैं, ये जब दो पार्ट में बढ़ जाती है, व्हाई, ड्यू टू शेयरिंग एक्शन. व्हेन यू पुट द लोड, नाइफ जो है, नाइफ से आप अगर उसको खीरा को काटते हैं या केक को काटते हैं, तो क्या होगा, ये शेयरिंग एक्शन के कारण स्प्लिट इंटू टू पार्ट लाइक बीम. एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में आप आगे भी बने रहे. राइट, दिस इज ए बीम एंड इट इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ हियर ए एंड दिस इज बी. तो यहां पर क्या होगी, ये यहां पर आर ए होगी एंड यहां पर क्या होगी, आर बी होगी. यहां सपोर्ट रिएक्शन विल बी आर ए एंड बी पे यहां पर सपोर्ट रिएक्शन विल बी आर बी. एम आई राइट? ओके, अब दूसरा हम कुछ इस पर लोड डालेंगे. राइट, मल्टीपल लोड डालेंगे इस पर. जैसे मैंने मल्टीपल लोड मीन कंसंट्रेटेड लोड डालेंगे, द बीम इज सब्जेक्टेड टू, जैसे यहां पर हमने डाल दिया, दिस इज डब्ल्यू वन, दिस इज डब्ल्यू टू एंड दिस इज डब्ल्यू थ्री. तो बीम पर तीन जो लोड है, मीन्स मान लिया तीन कलम है, ये नीचे जो है ये फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर में जो जा रही है बीम, तीन कलम है, तो तीन कलम मान लिया आरसीसी कलम है, तो ये W1, W2, W3 तीन लोड आपके बी पे आ रही है. राइट, हम क्या समझने वाले हैं, द एक्शन ऑफ शेयरिंग, शेयर फोर्स, जो कि काफी यूजफुल आती है इंजीनियर्स को फॉर एनालिसिस ऑफ एंड डिजाइनिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में, एसएफडी बीएमडी के लिए. तो फर्स्ट में हम लोग क्या किए, लोडिंग किए, लोडिंग. अब इस लोडिंग के कारण बीम विल गो इंटरनल डिफॉर्मेशन ओके. तो डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू, डब्ल्यू थ्री कारण बीम में जो एक्शन होगी एक्सटर्नल लोडिंग के कारण, वो क्या होगी, शेयरिंग एक्शन में होगी और बेंडिंग मोमेंट में होगी. तो दीज आर द सम इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल एक्शन विल डेवलप इन द बीम. अब हम क्या करेंगे, कोई एक सेक्शन लेंगे, सपोज यहां पर कोई एक सेक्शन आपने काट दिया एक्स एक्स. तो सेक्शन काटने के बाद में नंबर थ्री सेक्शन कितने दूर पर लेंगे हम, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सपोर्ट ए. सेक्शन काटा और सेक्शन को हम क्या किए, एंड फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम आपने इसको बना लिया. तो फ्री बॉडी डायग्राम का क्या होता है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम फ्री हैंड से बना लिया आपने, बाय स्केल से बना लिया, और डायमेंशन नहीं होती है उसमें, स्केल से नहीं बनती है, टू द स्केल. तो आपने जैसे ये यहां पर देख लिया आपने, तो दिस विल बी, यहां तो एक्स सही है, एक्स डिस ए मिला आपको, दिस इज डब्ल्यू वन एंड दिस इज आर ए.
तो आपको ये दो पार्ट, पार्ट वन एंड पार्ट टू, जब आपने सेक्शन काटा तो ये दो पार्ट में बीम हो गई हमारी, जो ए और बी बीम थी, जो जो भी लेंथ है, कोई भी लेंथ आप लिख लीजिए, यहां पर एल लिख लीजिए, एल लेंथ या 5 मीटर जो भी है। अब सेक्शन को हम अलग फ्री बोर्ड डायग्राम में काट के देखते हैं ताकि आसान होती है किसी भी इंजीनियर्स के लिए आपको समझाने में। तो जब एक्स पे काट दिया आपने तो यहां पर क्या मिलेगी, एक डब्ल्यू वन मिली और एक आर ए मिली। अब देखिए यहां पर थर्ड में बैलेंसिंग फोर्स, बैलेंसिंग फोर्स एफ, ये आपको डेवलप होगा यहां पे, वो क्या होगा, एफ इक्वल टू आर ए माइनस डब्ल्यू वन, चूंकि आर ए तो ऊपर की ओर जा रही है और डब्ल्यू नीचे की ओर आ रही है, तो आर ए माइनस डब्ल्यू वन इसका जो है अलजेब्रिक सम हुई वर्टिकल फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स की। तो ये जो एफ होगा ये बैलेंसिंग फोर्स कहां हिट करेगी, अगर बैलेंसिंग फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो बीम तो क्रश हो जाएंगे। सो एनी बीम जो आर ए माइनस डब्ल्यू वन हुई, एफ एफ विल बी एक्ट हियर एट दिस क्रॉस सेक्शन। ये बीम की जो क्रॉस सेक्शन जो देख रहे हैं, यहां जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, यहां पर एफ एक्ट करेगी, सो दैट टू कीप द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बीम इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए राइट में क्या हो रही है, राइट साइड ऑफ दिस बीम, लेट अस सी राइट साइड ऑफ सेक्शन एक्स एक्स। तो इसको भी हम एक क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना के समझते हैं। तो जैसे यहां से लेकर के यहां तक, राइट, दिस इज द बीम, यहां पर तो एक्स एक्स है और दिस इज द बी, दिस इज आर बी, और यहां पर क्या है, एक फोर्स डब्ल्यू टू है, दूसरा है डब्ल्यू थ्री, और जो डिस्टेंस हो गई, दिस डिस्टेंस विल बी एल माइनस एक्स, यहां से यहां टोटल एल है तो एक्स को माइनस कर दिया तो एल माइनस एक्स डिस्टेंस हो गई। तो राइट साइड ऑफ द सेक्शन एक्स एक्स, इसको आप देख रहे हैं, तो यहां पर जो फोर्स होगी, बैलेंसिंग फोर्स ऑफ द राइट साइड, वो क्या होगी, ऊपर में कितनी फोर्स गई, आर बी, सो आर बी नीचे वाला को माइनस ले रहे हैं, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री इक्वल टू बैलेंसिंग फोर्स एफ, ये आर बी एक लोड गई ऊपर से जो डब्ल्यू टू और डब्ल्यू थ्री, जो भी इसकी बैलेंसिंग फोर्स सपोज एफ हुई, जैसे मान लिया यहां पर 100 किलो है, यहां पर 50, यहां पर 25, तो जब इसको जब आप सम करेंगे तो अलजेब्रिक सम में एक रिजल्ट आएगी, वो जो एफ होगी, एफ क्या होगी, जैसे यहां पर एफ नीचे की तरफ आ रही थी, दिस विल बी, जैसे ये सेक्शन है इसकी स्प्लिट करने के बाद, तो ये डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू दिस वन, ओके, और ये बैलेंस में रहेगी आपकी, दिस विल बी इन द बैलेंस टू बैलेंसिंग दिस स्ट्रक्चर्स, जो आर बी माइनस डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री इक्वल टू एफ, बट दिस डायरेक्शन विल बी अपसाइड, एफ विल बी हियर अपसाइड ऑफ दिस फोर्स। तो जहां पर आप एफ देख रहे हैं, दिस एफ इज द एस एफ मीन्स शेयर फोर्स, राइट, सो शेयर फोर्स, जैसे हम जानते हैं कि शेयर फोर्स क्या होती है, इसका जो डिफिनेशन हम देखते हैं, शेयर फोर्स इन एनी पार्टिकुलर सेक्शन विल बी
द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द लोड्स आइदर लोड्स मीन्स ऑल द वर्टिकल लोड्स आइदर अप और डाउन अकॉर्डिंग उसमें साइन देने पड़ेंगे प्लस और माइनस का. अगर मान लीजिए डाउन है तो माइनस ले लिया, अप है तो प्लस ले लिया. तो अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस लोड्स आइदर लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन. तो किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन पर हम इस तरह से शियर फोर्स निकाल सकते हैं. तो मेरा जो मकसद था आपको शियर फोर्स बताने की थी. तो उम्मीद है आपको एंड अप्लाइंग द शियर फोर्स द बॉडी विल बी एक तो आपको ऊपर की तरफ रहेगी और दूसरा क्या होगा नीचे डाउन की तरफ आ जाएगी. ये पॉजिटिव होगा SF और दूसरा नेगेटिव क्योंकि बॉडी स्प्लिट होती है राइट. बॉडी जब भी स्प्लिट करेगी तो एक ऊपर होगी एक नीचे की होगी एट द पर्टिकुलर सेक्शन जहां पर आपका शियर फोर्स निकल रहा है राइट. तो सो उम्मीद है आपको इस वीडियो में जो दी गई चीजें हैं आपको समझ में आई होगी. टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट हम बहुत जल्दी एक दूसरे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको न्यूमेरिकल सोल्व करके बताएंगे जो कि शेयर फोर्स के बारे में है उसकी इम्पोर्टेंस के बताएंगे सब कुछ डिस्कस करेंगे. वीडियो को आप आगे भी देखते रहें. एक रिक्वेस्ट है हमारी यदि आप इस चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें. कुछ रह गया है तो जरूर कमेंट करें ताकि आने वाला सभी पब्लिश वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे. आई एम इंजीनियर हरी. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.